दिन से चिपचिपा पानी आना, धात या स्वपन दोष, वीर्य का पतलापन, चिपचिपा पानी का इलाज, इन सब परेशानियों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। आज के समय में जिस यौन रोग से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं वो है चिपचिपा पानी निकलने की समस्या से। जब ये कम मात्रा में निकलता है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे लिंग में उत्तेजना ज्यादा होती है तब चिपचिपा पानी की कुछ बूंदे लिंग के मुंह पर आ जाती है। ये चिकनाई का काम करती है जिससे लिंग का रूखापन दूर होता है और संभोग अच्छे से करने में ये मदद करता है और लिंग की छिलने का खतरा भी नहीं रहता है। लेकिन जब ये चिपचिपा पानी ज्यादा निकलने लगता है तब ये एक समस्या है और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। सवाल, मैं 10 वर्षों तक हस्तमैथुन किया है। आप, मैं जब गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ तो लिंग से बहुत चिपचिपा पानी निकलता और यहाँ की बिना इरेक्शन के भी पानी आता है। यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं गर्लफ्रेंड से किसी भी तरह की बात नहीं कर पाता, केवल उसके नाम से लिंग में थोड़ी उत्तेजना होती है और चिपचिपा पानी आ जाता है। यदि मैं 1 घंटे बात कर लूं तो कम से कम 4 से 5 बार पानी आता है। ऐसा पिछले 2 महीने से हो रहा है। क्या इससे नींद पर कोई असर पड़ता है? मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कुछ उपाय बताइए। पत्नी संग फोरप्ले करता हूँ तो लिंग में से चिपचिपा पानी बहुत निकलता है, क्या कोई बीमारी है? जवाब, पहले हमें प्रक्रिया को समझना चाहिए। यह ऐसा है जब हम भूखे होते हैं और कुछ अच्छा भोजन देखते हैं, हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपके मामले में जब आप अपने प्रिय से बात करते हैं और काम उत्तेजित या उत्तेजित महसूस करते हैं तो आपका लिंग एक तरल स्रावित करना शुरू कर देता है जिसे प्रीकम कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, देखिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको चिपचिपा पानी निकलने की समस्या है कि नहीं। तो वो लक्षण है जब लिंग खड़ा हो उसके बाद लिंग के मुंह पर चिपचिपा पानी आ जाना, अश्लील फोटो या वीडियो देखने के बाद लिंग से चिपचिपा पानी आने लगना, मन में उत्तेजक विचार के आने के बाद लिंग से चिपचिपा पानी निकलना, फोन पर लड़की से उत्तेजक बात करने के बाद चिपचिपा पानी निकलना। दोस्तों, ये प्रमुख लक्षण है जब हम चिपचिपा पानी निकलने की समस्या से होते हैं। अब बात करते हैं चिपचिपा पानी निकलने की समस्या के कारण की। दोस्तों, चिपचिपा पानी निकलने का प्रमुख कारण है अत्यधिक हस्तमैथुन। जब हम ज्यादा हस्तमैथुन करते रहते हैं तब हमारी लिंग की नसें बहुत कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ये समस्या हमें हो जाती है। चिपचिपा पानी निकलने के बाद शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? जब भी चिपचिपा पानी निकलता है उसके बाद गुप्तांग ढीला पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि गुप्तांग की शक्ति बहुत कम हो गई है। अंडकोश में भी ढीलापन आ जाता है, कई बार तो अंडकोश का आकार भी बढ़ जाता है। अंडकोश जैसा सामान्य रहता है वैसा नहीं रहता है, वह ज्यादा लटक जाते हैं। चिपचिपा पानी निकलने के बाद अंडकोश में दर्द भी होता है। ये दर्द कम समय से लेकर ज्यादा समय तक भी रह सकता है। दर्द दाएं या बाएं अंडकोश में हो सकता है या दर्द एक साथ दोनों में हो सकता है। चिपचिपा पानी निकलने के कारण कमर में भी दर्द होता है और पूरे शरीर में कमजोरी जैसा लगता है। कभी कभी इतनी कमजोरी हो जाती है कि आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है, चक्कर जैसा लगता है। दोस्तों, ये दुष्प्रभाव चिपचिपा पानी निकलने के कारण ही होता है। जब चिपचिपा पानी निकलने की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी तो ये दुष्प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं चिपचिपा पानी निकलने की समस्या को ठीक करने की असरदार दवा की। दोस्तों, ये एक हर्बल दवा है, इसका नाम है सारासिमेन फोर्ट। ये आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। या फिर आपको कोई परेशानी है अमेज़न से परचेज करने में तो स्क्रीन पर मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर सकते हैं। बस आपको एड्रेस और प्रोडक्ट का नाम व्हाट्सएप करना है और ये आपको कैश ऑन डिलीवरी पर 4 से 5 दिन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दवा को कैसे इस्तेमाल करें। सारासिमेन फोर्ट का इस्तेमाल आपको सुबह और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद गर्म दूध के साथ 2.5 ग्राम लेना है। और अब इसकी सामग्रियों की बात करते हैं तो इसके अंदर है सतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, कौंच बीज, बीजबिंद, सलाब मिश्री जैसी और कई सामग्रियां हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें।
करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं और साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली फायदेमंद और नॉलेजेबल वीडियो कभी मिस न करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।